जी आ गए हो हुन ते जेड़ा 6 मरले ते मुंह पाया इनू ते ठीक कर लो। हसीना ओ तेरा कांगड़ी पहलवान मियां के हाथों तेरे मैके वालों की कितनी बेइज्जती हुई है, तेरे जरा भी एहसास नहीं होया? खाला यकीन करो बहुत बुरा फील हो रहा है। हमारी भी मुआशरे में कोई इज्जत है? मतलब आपने हमारी वो बेइज्जती की है कि मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मतरई खाला होती है मेरी। मतरई तो नहीं है? मैं तेरे मुंह ते चंड मारनी है? मैं तेनु सड़क ते वटे मारे ने? चुप करके बैठ जा। तू दस मैनू की शायद दी कमी है मेरे पुत्र चे? कमी तो अकल की है, लेकिन शादी के लिए दामाद में ये खूबी मानी जाती है। और कमी तो शक्ल की भी है, लेकिन वैसे मैं समझती हूँ कि दामाद जो है ना वो कोजा ही होना चाहिए। और कमी तो तालीम की भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा दामाद ले आओ ना तो वो हर बात में कुड़ कुड़ करता है, फजूल में बात बात पे नुक्स ही निकालेगा, है ना? चलिए जी मैं चलती हूँ। हाँ इसका मतलब है कि तुम लोग मेरे पुत्र को अपने दामादी के लायक समझते हो। 100 में से 100 नंबर दे के गई है मेरे पुत्र को। हाँ जी बाजी मेरी गल सुनो, रिश्ता नहीं हो सकता, मैनू माफ कर दियो। फिट्टे मुंह की मजबूरी है तेरी? तू दस मैनू तेरी नक्चरी नन ने भी तो मेरे पुत्र को पास कर दिया है ना? ओ बाजी आनंद नी गंध ही है आहो, मीसमी चलाको मासी दी गल्ला इच ना आओ। रिश्ता ना होन ती सब तो वड्डी रुकावट ऐ ही है। ओए हे प्लास्टिक दी बिल्ली, हे ए सयापा है? सयापा नी अजाब है गए, मेरे को लो पूछो ना। ओए होए सोचना पड़ेगा कुछ। हेलो अजलान कहाँ हो तुम? ना तो मुझे फोन करते हो ना मेरा फोन अटेंड करते हो, तुम हो कहाँ? मुझे लगता है कि कराची आकर ना तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। आनी अब क्या ही बताऊँ आपको, आपके शातिर भाई ने ना मुझे मरवाने का प्लान तो पूरी होशियारी के साथ बना लिया था, लेकिन बचत हो गई। वो तो अब समझ में आया कि ये प्लॉट वाले मसले में मुझे डाल क्यों रहे थे। शुक्र है गोली बाजू से छू कर निकली, दिलो दिमाग के करीब करीब गुजरी है बस। गोली बसलान तुम कैसे हो? हाँ बस अब थोड़ा बेहतर। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात तुम किसी से फोन करवा देते? अच्छा ताकि सारा टब्बर मेरे सर पे आके नाचता और मुखालिफ पार्टी की गोलियां मेरे सर पे बसाई जाती और मेरा मुकम्मल सफाया हो जाता। अल्लाह ना करे तुम बार बार ऐसी बात क्यों कह रहे हो? आनी आप उनको समझाएं, उनको रोक लें, उनको बताएं कि शहर में और भी प्रॉपर्टियां हैं, सिर्फ इसकी इज्जत छोड़ दें। मैं उन्हें नहीं समझा सकती और मैं खुद भी नहीं समझूंगी, मैं बस आ रही हूँ कराची तुम्हारे पास। अच्छा प्लीज उनको मेरे हाल के बारे में मत बताइएगा। नहीं नहीं मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कहूंगी कि दोबारा से मुल्तान जा रही हूँ। शक भी नहीं होना चाहिए उन्हें? नहीं होगा ना, तुम अपना ख्याल रखो। देखो मैं बस आ रही हूँ ना तुम्हारे पास, तुमने अपना ख्याल रखना है, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आनी आनी प्लीज रोए तो मत, इसलिए थोड़ी बताया था मैंने आपको। हाँ लेकिन ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़। आनी भी मुश्किल हो जाती है।